हेलो दोस्तों, मैं आलोक गुप्ता स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा व्यू में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी ने अब फॉर्म को अपने रिलीज कर दिया है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं बी फार्मा, डी फार्मा, या तो नर्सिंग, या तो पैरामेडिकल के कोर्सेज में, या तो किसी भी कोर्स के लिए वो इंटरेस्टेड हैं, तो अपने फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। मैंने प्रॉपर सेपरेट वीडियो बना रखी है फॉर्म कैसे फिल करना है, कितनी फीस लगती है, और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और कैसे एडमिशन होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो डी फार्मा, बी फार्मा और नर्सिंग में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कितने परसेंटेज आपके रहने चाहिए ट्वेल्थ में, और कैसे आपका एडमिशन होगा। वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे तो बहुत सारे पार्ट्स आपको समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है हमें और भी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे हूँ। ये मैंने फॉर्म फिल किया है डी फार्मा का, ठीक है। मैंने डेमो देने के लिए फॉर्म फिल किया था, कैसे फॉर्म को फिल करना है उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया था, तो आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी मैंने वीडियो बना रखी है दोस्तों, वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे, ठीक है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा एक बार। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि डी फार्मा में अगर आपको एडमिशन लेना है आपको कितने नंबर रहने चाहिए ट्वेल्थ में। देखिए, बात करेंगे हम डी फार्मा की, ठीक है। तो डी फार्मा में जो एडमिशन होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एडमिशन कैसे होता है। वो होता है ट्वेल्थ के बेसिस के हिसाब से, ठीक है, ट्वेल्थ के मार्क्स के हिसाब से। और ट्वेल्थ में भी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनके मार्क्स के बेसिस पे हिसाब को होता है। इतना नहीं है कि इसमें तीन सब्जेक्ट लेना है, नहीं, आपके पाँच सब्जेक्ट होंगे तो पाँचों सब्जेक्ट के मार्क्स इसमें काउंट होंगे। अब देखिए, जैसा कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, मेरा ट्वेल्थ में जो परसेंटेज है, ठीक है, आप एक डेमो ले लीजिए, ट्वेल्थ में जो परसेंटेज है मेरा 84.2 है, ठीक है। तो मेरा जो एडमिशन हुआ था डी फार्मा में वो हुआ था 84.2% पे, ठीक है। अब मेरी जो रैंक थी वो थी 6वें नंबर पे नॉन डेली कैंडिडेट के लिए, ठीक है, नॉन डेली कैंडिडेट के लिए। तो चलिए, अब हम बात करते हैं कि आप लोग का अगर एडमिशन कराएं तो आपको कितने नंबर रहने चाहिए ट्वेल्थ की। अगर बात करते हैं ट्वेल्थ में परसेंटेज की, तो लास्ट जो एडमिशन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 67% पे, ठीक है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कि 67%, 70% या तो फिर 65% के आसपास आया हुआ है, आप लोग फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्म को आप लोग जरूर फिल कर लीजिएगा, आपके एडमिशन होने के बहुत सारे चांसेज हैं, क्योंकि एक तरह से ऑटोनॉमस कॉलेज है और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्राइवेट से करना रहता है, वही यहाँ पर आते हैं। तो परसेंटेज ज़्यादा हाई रैंक वाले यहाँ पर नहीं आते हैं, क्योंकि ज़्यादा हाई जिनका रैंक रहता है उनका तो डिप्सार में हो जाता है एडमिशन, जहाँ फीस बहुत कम है, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको 67% बनना है ट्वेल्थ में, या इससे ज़्यादा बनना है, या तो 70% बनना है, आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इंश्योर कर रहा हूँ कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा, ठीक है। आप लोग फॉर्म को फिल कीजिएगा, बाकी जैसे मेरिट बनेगी तो आपको पता चल ही जाएगा। वैसे देखो, मेरे जो क्लास में, मैं जिस क्लास में था, मैंने 10 दिन क्लासेस किए थे, उसके बाद से मैंने एडमिशन विड्रॉ करवा लिया था। उसमें जो लास्ट जो परसेंटेज थी वो 67% तक बच्चों का एडमिशन हुआ था, ठीक है दोस्तों। और मेरा पहले राउंड की काउंसलिंग में ही एडमिशन हो गया था। चलिए, ये तो आपने देख लिया। बात करते हैं हम बी फार्मा के बारे में, ठीक है। बात करते हैं हम बी फार्मा कोर्स की। तो बी फार्मा कोर्स में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो बेसिकली इसके दो क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है दोस्तों, बी फार्मा में एडमिशन लेने के। पहला जो होता है वो होता है नीट का सिलेक्शन, ठीक है, जितने भी बच्चे नीट अपीयर हुए हैं। और दूसरा जो होता है, होता है नॉन नीट, ठीक है। दोनों का यहाँ पर एडमिशन होता है, ध्यान रखिएगा, फिर बाद में आप कमेंट में ये ना पूछने लग जाएं कि सर मेरा हो पाएगा कि नहीं। तो देखो, जिन्होंने नीट क्वालिफाई करके आएंगे सबसे पहले उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी बच्चे नीट के थ्रू आएंगे उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। उनके ट्वेल्थ में कितने भी नंबर रहे ये मैटर नहीं करता है। नीट में उनके अगर 400 प्लस आते हैं, ठीक है, या 300 प्लस आते हैं, तो उनको जो है प्रेफरेंस सबसे पहले दी जाएगी, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है आपको। यानी कि कहने का मतलब यह है, इन शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपके परसेंटेज रहते हैं बेसिकली नीट में 300 से ज़्यादा रहते हैं नंबर, तो आप लोग फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा, ठीक है। आपको अगर, आपको भी पता है कि अब जो 17 तारीख को जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, 17 को है एग्ज़ाम, तो अगर आपके 300 प्लस नंबर आते हैं या तो 250 भी आते हैं, ठीक है, तो आप फॉर्म को फिल ज़रूर कीजिएगा, फॉर्म फिल कीजिएगा, देखिएगा क्या होता है। दूसरा हम बात करते हैं कि जो नॉन नीट आते हैं, ठीक है, नॉन नीट। अब देखिए, नॉन नीट वाले कैंडिडेट का एडमिशन किस बेसिस पे होता है वो आप बात समझ लीजिएगा पहले। नॉन नीट वाले अगर कोई स्टूडेंट्स आते हैं, उनको एडमिशन लेना है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में, तो सबसे पहले उनके ट्वेल्थ के नंबर देखे जाते हैं, ट्वेल्थ के नंबर। और उनके ट्वेल्थ के जो नंबर होने चाहिए दोस्तों, वो 85% से प्लस होना चाहिए। अगर 85 प्लस है और यहाँ पे अगर कोई नीट का कैंडिडेट है और वो अपना सीट जो है नहीं लेते हैं, ठीक है, उनकी सीट जो है वैकेंट रह जाती है, यानी कि
उन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया हो और सीट खाली रहती है, तो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी जो नॉन नीट वाले कैंडिडेट हैं। क्लियर है? कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो नीट वालों को दी जाएगी, ठीक है, उसके बाद से प्रेफरेंस नॉन नीट वालों को दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, नॉन नीट वाले, अब नॉन नीट वालों में जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज रहेगा सबसे पहले उनको नीट का मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा सबसे पहले, और जिनका थोड़ा कम रहेगा लाइक 80% हो गया तो आप लोग फॉर्म को फिल जरूर कीजिएगा, बाकी जैसे कोई नोटिफिकेशन होगा मैं आपको जरूर बताऊँगा। चलिए बात करते हैं हम बीएससी नर्सिंग की। ठीक है, बीएससी नर्सिंग में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कितने परसेंटेज रिक्वायर्ड होना चाहिए? देखिए बीएससी नर्सिंग का भी सेम ही है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो दो तरीके से होता है। एक तो अगर आप लोग नीट का एग्ज़ाम दे के आओ, ठीक है, नीट का एग्ज़ाम, ठीक है, एक होता है नॉन नीट। क्या होता है? नॉन नीट, ठीक है। अब देखिए जो भी नीट वाले कैंडिडेट होते हैं उनके क्या होते हैं, 400 प्लस नंबर रहने चाहिए और प्लस 12th में भी अच्छे नंबर रहने चाहिए, प्लस इंग्लिश होना चाहिए उनका, इंग्लिश स्पीकिंग होना चाहिए। ये नीट कैंडिडेट के लिए होता है। नॉन नीट वालों के लिए अगर सीट बच जाती है, नीट का कोई कैंडिडेट अगर सीट नहीं लेता है, ठीक है, तो नॉन नीट वाले जो भी हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है तो उनको कम से कम 90% चाहिए होगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों आंकड़ा चेंज भी हो सकता है बी फार्मा और डी फार्मा के लिए, तो अगर आपके 80% भी हैं तब भी आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो बहुत कम ही ऐसे बच्चे हैं जो एडमिशन ले पाते हैं। बेसिकली यहाँ पे नॉन नीट कैंडिडेट ही बहुत ज़्यादा जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कहने का मतलब है कि अगर आप लोग के 90% हैं या तो 80% तब भी आप लोग फॉर्म फिल कीजिए, एडमिशन होने के चांसेज हैं, प्रोबेबिलिटी है कि आपके एडमिशन हो जाएगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। चलिए अब बात करते हैं अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, तो प्रॉपर वाइज कैसे फिल करना है फॉर्म को मैंने बता रखा है। देखिए अगर आप लोग बीएससी में या तो बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं यानी कि यूजी कोर्स में, ठीक है, तो आपको फॉर्म नंबर 1 फिल करना है। अगर आप लोग डी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको फॉर्म नंबर 4 फिल करना है। अगर आप लोग कोई और भी कोर्स लाइक बीटेक में लेना चाहते हो एडमिशन, बीए एलएलबी में, होटल मैनेजमेंट में, इस्लामिक स्टडीज में, ठीक है, बीए कॉमर्स में, तो सारे के सारे देखो आप लोग हर एक का अलग अलग दे रखा है, तो इसके ऊपर मैंने प्रॉपर सेपरेट वीडियो बना रखी है फॉर्म को फिल कैसे करना है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 3 वीडियो दूंगा, आप लोग तीनों देख लीजिएगा, जिसमें फीस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया है, ठीक है, पहला बताया है फीस स्ट्रक्चर के बारे में और दूसरा बताया है कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं, ठीक है, कोर्सेज ऑफर कौन कौन से होते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वहाँ एडमिशन लेने की, और मैंने तीसरा बताया है बेसिकली आप लोग को फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है दोस्तों, और फॉर्म का मैंने पैसा ही बता रखा है उसी वीडियो में, आप लोग जाओ और उस वीडियो को देखो। जैसे आप लोग वीडियो समाप्त करोगे आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा या तो फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। चलिए अब तक के लिए इन्फॉर्मेशन है, बाकी जैसे कि अदर इन्फॉर्मेशन होता है मैं आपको वीडियो के थ्रू जरूर बताऊंगा। अगर आप कोई कमेंट या क्वारीज हैं तो आप लोग मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे आपको हर एक चीज़ का रिप्लाई मिलता है और इवन मैं कमेंट बॉक्स में भी हर एक आपके क्वेश्चन का आंसर देता रहता हूँ। चलिए मिलेंगे ऐसे एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।